संडे, और संडे को मैं इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और ये देखो ये कॉमेडी है, मतलब जैसे ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है कैमरा उठाया है, और ये बेबी बेबी को पता चल गया, बेबी को पता चल गया कि मम्मा ने कैमरा उठा लिया है, मम्मा ने कैमरा उठा लिया है। मम्मा अभी दिखाने वाली थी कि जो चाचू लेके आए ना आपके लिए थाईलैंड से गिफ्ट, वो दिखाने वाली थी मम्मा सबको। हाय करो, हाय हाय करो, हाय जब भी मैं कुछ करने चाहती हूँ ना, तो ये तो उसको तो उठना ही उठना है, फिर इसके डैडी संभालते हैं। लेकिन अभी तो इसके डैडी भी नहीं है, बाहर गए हैं कुछ काम से। ये देखिए तो ये है टी शर्ट जो आयु के चाचू आयु के लिए थाईलैंड से लेके आए हैं, और इस पे इसका फ़ोटो प्रिंट है। टी शर्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और प्रिंट भी एकदम, जो फ़ोटो का प्रिंट है ना, एकदम क्लियर आया हुआ है, एकदम क्लियर। और बैक साइड में जो प्लेन है और फ्रंट में ये इसका फ़ोटो प्रिंट है, और काफ़ी अच्छा टी शर्ट है। और मटेरियल भी इसका, जो फैब्रिक है, एकदम सॉफ्ट है। और फिर यहाँ पे है एक दूसरी टी शर्ट, ये लाइट स्काई ब्लू कलर की है, ये भी काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छी टी शर्ट है। और इस पे भी फ़ोटो एकदम क्लियर आया हुआ है आयु का, आप देख सकते हैं। तो आयु के चाचू का था कंपटीशन और वो लेके आए थे ये टी शर्ट वगैरह आयु के लिए, और आयु के डैडी के लिए भी टी शर्ट लेके आए हैं। और ये आयु के डैडी की टी शर्ट है ब्लैक कलर की, जिस पे लिखा है बैक साइड में थाईलैंड और फ्रंट में भी थाईलैंड से लिखा हुआ प्रिंट है इसका। इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है। अब आफ्टर वॉश के बाद देखते हैं कि कैसा मटेरियल रहता है, क्योंकि कपड़े तो वॉश के बाद थोड़ा समझ में आते हैं कि कैसा है निकलेंगे। और आयु के दोनों चाचू का यूसी मास का कंपटीशन था कंबोडिया में, और इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन था, और दोनों ही विनर रहे, एक चैम्पियन रहा और एक रहा ग्रैंड चैम्पियन। तो इवनिंग का टाइम है, बज रहे हैं 4:30 पौने 5 के समथिंग, और मैं यहाँ पे सब्जी वाले भैया आए हैं तो उनसे अदरक लेने लग गई हूँ, क्योंकि अदरक बिल्कुल नहीं था, और सर्दियों में बिना अदरक की चाय किसी को पसंद नहीं आती है, और अदरक सब्जियों में भी, तड़के में भी, दाल में भी, इन सब में भी डलता है, यूज़ होता ही है, तो अदरक बहुत ज़रूरी रहता है सर्दियों में। तो ख़त्म हो गया था, मैं वही ले रही हूँ यहाँ पर, और मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, बाकी और लोग घर में चाय पीते हैं। और फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ खेत में, तो खेत में दिया जा रहा है पानी, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से क्यारी बना के पानी जा रहा है खेतों में, लगाया जा रहा है। और ये लगा है करौंदा, ये यहाँ पे करौंदे का पेड़ है, तो यहाँ पे छोटे छोटे करौंदे लगे हुए हैं, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत लगे हुए थे। यहाँ पे ये पालक मेथी वगैरह बो रखी है, उसमें ही पानी जा रहा है, ये क्यारियाँ बना रखी हैं, अभी ये पूरी पानी से भर जाएंगी, पूरे खेत में पानी लगा दिया जाएगा। फिर यहाँ पे है ये नींबू का पेड़ जिसमें नींबू लगे हुए हैं, इसमें तो काफ़ी सारे नींबू लगे हुए थे, कुछ हरे थे, कुछ पक गए थे, मतलब कि येलो हो गए थे। शाम के टाइम ऐसे ही घूमने निकल आई थी कि थोड़ा सा चलो पास में ही घूम के आती हूँ, तो मैं यहाँ खेत पे ही आ गई। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, छोटे छोटे मेथी के पौधे आ गए हैं। फिर मैं यहाँ पे बनाने लग गई हूँ केक, तो मैं यहाँ पे टूटी फ्रूटी केक बना रही हूँ, उसके लिए है 1/2 कप चीनी और 1 कप से थोड़ा कम दही लिया हुआ है, और चीनी और दही को अच्छे से फेंट लेंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। यहाँ पे आप जो पिसी हुई चीनी होती है वो भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऐसे साबुत खड़ी हुई चीनी ली है, और ये दही में अच्छे से घुल जाएगी, थोड़ा सा चलाने के बाद, फेंटने के बाद दही में अच्छे से घुल जाएगी और एकदम स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा।
और फिर इसमें ऐड करेंगे मेल्टेड बटर, आधा कप मेल्टेड बटर यूज़ करेंगे। आप चाहे तो वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं और घी भी डाल सकते हैं। तो फिर इसमें डालेंगे 2 चम्मच वनीला एसेंस और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जितना ज़्यादा अच्छे से बैटर को फेटेंगे उतना ही अच्छा हमारा केक सॉफ्ट बनेगा एकदम। और फेटने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1.5 कप मैदा। मैदा को अच्छे से छान लिया था और छान के ही डाला है। छान के डालने से केक एकदम फ्लफी बनता है। और इसको हम मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं बैटर थोड़ा गाढ़ा है, तो इसमें डालेंगे दूध, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। 1 कप दूध मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एकदम ज़्यादा दूध नहीं डालना है वरना केक हमारा एकदम पतला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएं और इसको फेटते जाएं। और फेट फेट के बैटर एकदम हो जाएगा स्मूथ। बचा हुआ दूध भी डाल देंगे और फेट लेंगे अच्छे से। और बैटर आप देख सकते हैं कितना अच्छा बैटर बन के तैयार हो गया है। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, ज़्यादा पतला भी नहीं है। और अब इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, तो यहाँ पे 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और 1 चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर। और दोनों को मिला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ओवर मिक्स नहीं करना है, बस अच्छे से मिक्स करना है। और इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे टूटी फ्रूटी। तो जैसी भी आपको टूटी फ्रूटी और चेरी पसंद हो, तो 1 कप मैंने यहाँ पे डाली है, थोड़ी सी बचा ली है ऊपर से गार्निशिंग के लिए डालने के लिए। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे बैटर में। और फिर मैंने यहाँ पे केक टिन लिया, केक टिन को अच्छे से बटर लगा के ग्रीस कर दिया था। और फिर इसमें डाला है ये पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर, इसके स्क्वायर का कट करके मैंने डाल दिया था। फिर इसमें डाला बैटर, और बैटर को ओवरफिल नहीं करना है, थोड़ा स्पेस रखना है ताकि जब केक फूले तो उसको जगह मिले, नीचे ना निकल जाए। तो अब केक टिन में बैटर को डाल देंगे। और फिर ऊपर से जो बची हुई टूटी फ्रूटी है वो डाल देंगे, तो इससे केक काफ़ी अच्छा दिखेगा और अच्छे से ऊपर तक टूटी फ्रूटी हो जाए। फिर मैं यहाँ कुकर पे बना रही हूँ, तो कुकर को मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था हाई फ्लेम पे। अब इसका फ्लेम कर दिया एकदम स्लो और कुकर में डाल दी है केक टिन। आप चाहे तो बेस में नीचे नमक भी डाल सकते हैं। और फिर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और आप रबड़ हटा लें, मैं यहाँ पे रबड़ हटाना भूल गई, और सीटी भी हटा लें कुकर में बेक करते टाइम। केक सीटी और रबर को हटा लेना है और स्लो फ्लेम पे हमें इसको 35 मिनट तक बेक करना है। और अगर तब और फिर नाइफ इंसर्ट करके देखना है, तब भी नहीं हुआ तो 5 मिनट और बेक करें, मतलब 40 मिनट में केक आपका बेक हो जाएगा स्लो फ्लेम पर। और एकदम अच्छा केक बन के तैयार हुआ है। ऊपर से जो इसका ये जो पेपर लगाया था ना हमने, बटर पेपर, वो निकाल देंगे। और ये देख सकते हैं आप केक कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है, एकदम सॉफ्ट, एकदम स्पॉन्जी और खाने में एकदम टेस्टी और एकदम फ्रेश केक बन के तैयार हुआ है। तो जब भी आपको केक खाना हो तो अपने घर पे फ्रेश केक बनाएं। और क्रिसमस आ रहा है तो ये केक आप क्रिसमस पे ज़रूर ट्राई करें। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कैसे हैं आप सब। और चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।